नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, और 30 मई है आज। बिग न्यूज़ अपडेट है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी है उसकी कल यानी कि 31 मई को रिजल्ट आना है, और जिलावार आपको कहाँ पे काउंसलिंग जाना है, कैसे क्या है, सभी अपडेट आपको 31 मई को मिलेगी। तो जिसके लिए फ्रेंड्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और कुछ अभ्यर्थी हैं जैसे कि स्पेशल बीएड के, उनके बारे में भी बहुत अच्छी खबर है, और काफ़ी वो असमंजस में थे वे अभ्यर्थी जो स्पेशल बीएड थे, और उनके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, जूम आउट करके दिखा देता हूँ, यानी कि एक पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है टीम द्वारा 3 जून से 6 जून तक, यानी कि 3 से 4 जून को प्रतिदिन 60-60 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निर्धारित कक्ष में की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी भरी गई प्रविष्टियों का मिलान उनके मूल अभिलेखों एवं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से किया जाएगा, एवं किसी भी प्रकार की विसंगत प्रकाश में आने पर उनके फाइल पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी विसंगति पाई जाती है तो वहीं पे आपको उसके बारे में बताया जाएगा, और हो सकता है आपका आवेदन भी निरस्त कर दिया जाए या आपको मौका भी दिया जा सकता है, परंतु ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है काउंसलिंग के समय। अब तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, बीएड विशेष शिक्षा की बात की गई है। तो विशेष शिक्षा में के अभ्यर्थियों के संबंध में RCI द्वारा कॉलेज को प्रदान की गई मान्यता की कॉपी अवश्य अवलोकित की जाए एवं उसको फाइल में अवश्य रूप से संकलन कराया जाए। बीएड, बीएलएड, डीएड शिक्षा के अभ्यर्थियों को भी इसी तरह कॉलेज से उत्तीर्ण, जो कि जिस वर्ष में उत्तीर्ण हुए हों, उसकी मान्यता कॉपी अवश्य अवलोकित की जाए। तो ये फाइल बनानी है आपको बेसिक में। आपको एक आया है मुजफ्फरनगर का जो कार्यालय ज्ञाप आया, कार्यालय आदेश, उसके बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आज है 30 मई, कॉर्नर पर मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो 30 मई है, यहाँ पर शासनादेश संख्या दी गई है, और 29/5 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में, जो कि पूरी गाथा लिखे आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 3 जून से 6 जून, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये जनपद है, यहाँ पे आज 30 तारीख है, आज की लेटेस्ट अपडेट है, मुजफ्फरनगर बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया गया कार्यालय ज्ञाप है, और ये डॉक्यूमेंट है, पूरी 10 डॉक्यूमेंट है। 10 डॉक्यूमेंट में मैं आपको सीरियल बाय सीरियल बता देता हूँ यहाँ जूम आउट करके। पहले मैं आपको एक चीज़ और पॉइंट वाइज दिखा देता हूँ। पॉइंट 9 आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो अभ्यर्थी पहले जिन्हें स्पेशल बीएड वालों के लिए, ठीक है, 8 नंबर के पासपोर्ट साइज़ की 4 फोटो नीचे लाइन से बता देता हूँ। बेसिकली सहायक अभ्यर्थी परीक्षा का आवेदन पत्र आपको लेके जाना है, सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति हेतु भरा गया आवेदन पत्र होना चाहिए। 3rd नंबर पे आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र होने चाहिए आपके पास। 4th नंबर पे है आवंटित जनपद की सूची का प्रथम पृष्ठ, जिसका पृष्ठ पर चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित हो। 5वें नंबर पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट भी होना चाहिए आपके पास। 6 नंबर पे सरकारी या अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय समक्ष अधिकारी से NOC प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, NOC भी आपको देना होगा। 7 नंबर है समस्त शैक्षिक एवं अन्य मूल अभिलेख उनके स्वयं प्रमाणित 6x2 सेट होने चाहिए, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसे स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं। 8 नंबर पे है पासपोर्ट संख्या साइज के 4 फोटोग्राफ होने चाहिए। 9 नंबर है बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों के संबंध में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि RCI द्वारा कॉलेज को प्रदान की गई मान्यता की कॉपी होनी चाहिए। और 10 नंबर अंतिम है बीएड बीपी यानी बीएलएड या डीएड शिक्षा के अभ्यर्थियों को NCTE द्वारा कॉलेज को उत्तीर्ण वर्ष में प्रदान की गई मान्यता की कॉपी होनी चाहिए। तो ये 10 मूल आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए और 10 इसी के कॉपी होने चाहिए। 2 सेट ले जाने हैं, 4 फोटोकॉपी फोटोग्राफ्स ले जाने हैं, तो इतनी चीज़ों के साथ आपको जाना है, और नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ दिक्कत का सामना आए आपको देखने को पड़ सकता है, दिक्कत भी आपको हो सकती है, और ये दिक्कत ना हो इसलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो शेयर करना ना भूलें उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और वीडियो शेयर करें, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी प्रकार की सरकारी जॉब से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। और बेसिकली आज की यही अपडेट है। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद एक्सपीरियंस के नाम से, ठीक है? तो उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यहाँ पर जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको सभी प्रकार की अपडेट दी जाती है। थैंक यू।